लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए। नवी मुंबई के मशहूर गणेशोत्सव मंडलों में शुमार शिव छाया मित्र मंडल द्वारा गणेशोत्सव के अवसर पर तुर्भे स्टी डिपो में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। गणेशोत्सव के जरिए यहाँ कोरोना के प्रति जागरूकता बढ़ाने के साथ ही लोक सेवा उपक्रम चलाए जा रहे हैं। मंडल के अध्यक्ष अंकुश वैती ने बताया कि यह समय महामारी का है, इसलिए सुरक्षा निर्देशों का पालन करते हुए मंडल कोरोना के प्रति जागरूकता फैलाने और स्वास्थ्य शिविर के जरिए जनसेवी उपक्रम चलाने के कार्य में जुटा है। अंकुश वैती ने विघ्नहर्ता श्री गणेश से कोरोना को जल्द खत्म करने की भी प्रार्थना की। देखिए झलकियां। छाया मित्र मंडल तुर्भे सार्वजनिक गणेशोत्सव नवी मुंबई का राजा, ये जो गणेशोत्सव है ये नवी मुंबई का पहला सार्वजनिक गणेशोत्सव है। यहाँ पे हर साल भव्य दिव्य ऐसे डेकोरेशन किए जाते हैं और 10 दिन में 8-10 लाख भाविक यहाँ पे दर्शन लेने आते थे, लेकिन गए साल से ये कोरोना का महामारी की वजह से जो शासन की नियमावली है वो उनके अनुसार गए साल डेढ़ दिन का गणेश उत्सव रखा था, इस टाइम 5 दिन का गणेश उत्सव रखा है। लेकिन ये उत्सव रखने के माध्यम में हम लोग ने यहाँ पे सामाजिक कार्य का आयोजन किया है। आज हम लोग रक्तदान शिविर यहाँ पे आयोजित किया है, कल हम लोग नेत्र चिकित्सा का कैंप रख रहे हैं और इसके पहले भी शिव छाया मित्र मंडल ने नवम्बर के अंदर बहुत सारे समाज कार्य किए हैं। जो कोरोना का महामारी चल रही है, अभी तीसरी लाट आने की संभावना है, इसके लिए मैं नागरिकों से यही दरख्वास्त करूंगा कि आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंसिंग रखें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें और ज़्यादा से ज़्यादा घर पे रहने का कोशिश करें। ज़रूरत काम होएगा तो ही आप बाहर जाइए, ये सब अपने लिए है। अपन ही उसका पालन करेंगे तो कोरोना ऑटोमेटिकली भाग जाएगा। मैं गणपति बाप्पा से एक ही विनती करूंगा कि जो कोरोना का महामारी है इससे सबसे जल्दी निकल जाए और सबको सबके जीवन में सुख शांति लाए, इतनी ही बाप्पा से मैं इच्छा प्रकट करता हूँ।